नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी मध्य प्रदेश में। जहां एक तरफ मौसम के चलते ठंडा माहौल है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में सीएम पद की रेस को लेकर गर्माहट बनी हुई है। जिस तरह के जो दावेदार है, जो प्रत्याशी थे, जो जीत के आए हैं, अब विधायक दल की बैठक होगी और किस तरीके से कौन सीएम बनता उसे लेकर लगातार हलचल तेज होती दिख रही है। और लगातार दिल्ली में बैठक चल रही है, जहां पर माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम के चेहरे को लेकर, फेस को लेकर नाम तय हो चुका। तो इस बीच खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। जिस तरह की लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि मध्य प्रदेश में 2 नए डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ऐसे में बात करें तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बने रहेंगे, ऐसी भी जानकारी है। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति पारा गर्म होता दिख रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो खबरें ये भी है कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के चेहरे ज्योतिराज सिंधिया और वीडी शर्मा हो सकते हैं। इस वक्त की ये भी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से कि मध्य प्रदेश की सियासत में 2 नए चेहरे डिप्टी सीएम के रूप में वीडी शर्मा और ज्योतिराज सिंधिया होंगे। जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव से पहले इन नामों पर मंथन किया जा रहा था और कई राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिले थे, जहां पर लगातार बैठकें हुई थी बीजेपी कार्यालय पे, तो सीएम हाउस पर, वीडी शर्मा के हाउस पर। तो ऐसे में बात किया है, तब मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुमत, प्रचंड बहुमत से जो सीटें निकाली और जो बहुमत हासिल किया, उसके बाद माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, शिवराज सिंह चौहान तो बने ही रहेंगे लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हाईकमान दिल्ली ने फैसला लिया है और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी थी कि डिप्टी सीएम के नाम में रेस में 2 नाम तेजी से हैं, जिसमें एक ज्योतिराज सिंधिया का है तो दूसरा वीडी शर्मा का है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही अगर बात किया है तो इस दौड़ में और भी नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है। तो वहीं अगर बात करें तो प्रहलाद पटेल का नाम भी इस दौड़ में है, जहां पर सीएम रेस की। लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन 2 नाम तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वीडी शर्मा, ज्योतिराज सिंधिया का। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है और कौन डिप्टी सीएम बनता है और सीएम बनता है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई दिख रही है, क्योंकि मौसम भले ठंडा हो लेकिन सियासत गर्म है।